इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा जिले से, जहां दैनिक भास्कर के पूर्व ब्यूरो चीफ दीपक मिश्रा हत्याकांड के मुख्य सूत्र को न्यायालय ने बरी कर दिया है। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर रीवा के ब्यूरो मुख्य दीपक मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी उनके भाई संजय मिश्रा, राहुल मिश्रा, राकेश उर्फ पप्पू, बीके सिंह और एक शूटर आरोपी बना था जिसका नाम दीपक सिंह उर्फ दीपू था, जो प्रयागराज का रहने वाला है। बताया जाता है इसी ने गोली मार कर हत्या किया और फिर फरार हो गया था। जो आरोपी पहले पकड़े गए थे उन्हें न्यायालय ने 2011 में सजा सुना दी थी, लेकिन मुख्य शूटर 2019 में गिरफ्तार हुआ था, जिसे रीवा जिला न्यायालय ने बरी कर दिया है। शूटर की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सिंह सेरा कर रहे थे। आइए आपको सुनाते हैं राजीव सिंह सेरा ने क्या कहा है। भाई साहब, आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार एक हुआ करते थे दीपक मिश्रा जी, आज फैसला हुआ है उनके हत्या के केस में, तो क्या था पूरा मामला बताएंगे। दीपक मिश्रा जी दैनिक भास्कर समाचार पत्र रीवा में संपादक के पद पर पदस्थ थे और संजय मिश्रा उनके रिश्तेदार थे, जो पेशे से चिकित्सक हैं। दिनांक 1/8/8 को संजय मिश्रा ने, जैसी पुलिस की कहानी है, उनको फोन लगा के अपने घर बुलाया, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रीवा, और उन्होंने अपनी कार में, दो कार में, एक दीपक मिश्रा की कार और एक संजय मिश्रा की कार, दो कार में, एक कार में संजय मिश्रा, राहुल मिश्रा और दीपू सिंह उर्फ दीपक सिंह, ये लोग बैठे, और एक कार में राकेश उर्फ पप्पू और विवेक उर्फ प्रिंस, ये लोग बैठे, ये लोग कार लेकर चले गए और बस स्टैंड से गुजरते हैं। बस स्टैंड पे गुजरते हुए इन लोगों को उमेश शुक्ला देखते हैं कि साथ में दीपू सिंह करके एक आदमी बैठा हुआ है मोटा तगड़ा, और संजय मिश्रा बैठे हुए हैं और दीपक मिश्रा बैठे हुए हैं। क्योंकि दीपक मिश्रा पर्चे के मोहताज नहीं थे, वो रीवा के बड़े पत्रकार माने जाते थे, संजय मिश्रा भी चिकित्सक थे इसलिए वो भी पर्चे के मोहताज नहीं थे। तो इन लोगों को उमेश, उनके रिश्तेदार हैं, उन लोगों ने देखा था कार में। ब्रजेश त्रिपाठी जो हैं उन्होंने जस्तम के पास, बस स्टैंड के पास देखा था कार से जाते हुए। ये घटना दिन के 11 से 1 के बीच की, 1/8/2008 की। फिर ये लोग जब आगे गए तो नवस्ता के पास, चौराहा के आगे नवस्ता के पास एक कार खड़ी हुई मिली। उस कार में, जिस कार में देखा गया था इनको, संजय मिश्रा को और दीपक मिश्रा को, संपादक जी को, उस कार में उनका शव पाया गया। मुलजिम बनाए गए, नामजद आरोपी बनाए गए डॉक्टर संजय मिश्रा, राहुल मिश्रा, दीपू सिंह, राकेश उर्फ पप्पू, विवेक उर्फ प्रिंस और 302/120B IPC एवं 25/27 आयुध अधिनियम का अपराध, थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 595/8 के अंतर्गत इन सभी के खिलाफ दर्ज किया गया और संजय मिश्रा, राहुल मिश्रा, राकेश और पप्पू, विवेक और प्रिंस को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात इनका ट्रायल हुआ। दीपू उर्फ दीपक सिंह, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बतौर शूटर इन लोगों द्वारा बुलाया गया था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है प्रतापगढ़, ये फरार हो गया था घटना कायद करने के पश्चात, और एलिगेशन ये था कि इसी ने गोली मारी। तो संजय मिश्रा, राहुल मिश्रा, राकेश पप्पू और विवेक के खिलाफ मामला पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रीवा के यहाँ चला और गवाही के पश्चात दिनांक 29 अक्टूबर 2011 को डॉक्टर संजय मिश्रा को, राहुल मिश्रा को, राकेश उर्फ पप्पू को और विवेक उर्फ प्रिंस को 302 में, 120 बी में और 25 आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास की सजा हुई। इसके पश्चात दिनांक 4/12/19 को दीपक सिंह उर्फ दीपू को पुलिस थाना सिविल लाइन द्वारा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से पकड़ा जाता है। उनको पकड़ के लाया जाता है और पकड़ के लाने पर उनका बयान लिया जाता है और बयान में ये कहते हैं कि पुलिस की जो स्टोरी है कि उन्होंने गोली मारी है और जिस रिवॉल्वर से गोली मारी थी वो जब्त कराते हैं और केस चलता है मुख्य आरोपी के तौर पर। और केस वर्ष 2022 के चलने के पश्चात आज जो है
नाइन्थ अपर सत्र न्यायाधीश नवम अपर सत्र न्यायाधीश माननीय श्री देवेंद्र सिंह पाल के न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया, जिसमें दीपक सिंह उर्फ दीपू 120B भारतीय दंड विधान, 302 भारतीय दंड विधान, आपका 25-27 आयोग अधिनियम की धाराओं से दोष मुक्त हो गए, बरी किए गए हैं। उनको सभी धाराओं से, सभी अपराध से दोष मुक्त किया गया है। उनको आज रिहा कर दिया जाएगा। अभी तक वो जमानत पर नहीं थे, पुलिस ने इनको मुख्य आरोपी बनाया था। अच्छा, बाकी के जो आरोपी थे उन पर उनको सजा पड़ी है? जी जी, ये बस दोष मुक्त हुए। बाकी के जो आरोपी थे, जैसा मैंने आपको बताया जी, उनको जो सजा पड़ी है वो सजा पड़ी है आपको 2011 में आजीवन कारावास पड़ी है जी। 2011 में, और उनकी अपील चल रही है माननीय उच्च न्यायालय जी। तो अच्छा, उसमें आप अधिवक्ता नहीं थे? जिसमें उनको सजा पड़ी है उनमें मैं किसी भी आरोपी की ओर से अधिवक्ता नहीं था जी। मैं सिर्फ अभी जो पैरवी कर रहा था वह दीपू दीपक सिंह की पैरवी कर रहा था, जो मामले में मुख्य बताए जा रहे हैं।